एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करेंगे जो कि है टेंसेस। सो चलिए फिर देख लेते हैं कि ये जो वर्ड टेंसेस है ये कैसे हमारे बीच पहुंचा, कैसे भी वर्ड जो है ये एग्जिस्टेंस में आया है, यानी इस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ से इसका बर्थ हुआ था। सो हम लोग इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि टेंसेस का बर्थ कहाँ से हुआ था, ठीक है। सो टेंस हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस व्हिच मीन्स टाइम। सो टेंस जो है बेसिकली एक लैटिन वर्ड से इवॉल्व हुआ है और वो लैटिन वर्ड है टेम्पस, और टेम्पस का मतलब होता है टाइम, ठीक है। अगर टेंस की डेफिनेशन की बात करें कि एक्चुअली में टेंस है क्या, ये तो ओरिजिन की बात हो गई कि हाँ टेंस जो है एक लैटिन वर्ड टेम्पस से बना हुआ है और उसका मतलब होता है टाइम। बट टेंस का रियलिटी में मीनिंग क्या है, आइए उसकी डेफिनेशन से समझते हैं। टेंस इज अ वर्ब बेस्ड मेथड यूज टू इंडिकेट द टाइम एंड सम टाइम द कंटिन्यूएशन और कंप्लीशन ऑफ अ एक्शन और स्टेट इन रिलेशन टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी टेंस जो है एक वर्ब पे बेस्ड मेथड है जो बताता है कि जो स्पीकर है, जो भी स्टेटमेंट स्पीकर दे रहा है वो कौन से टाइम में दे रहा है, ठीक है। लाइक अगर मैं बोलूँ कि आई एम बिज़ी, ठीक है, यानी मैं बिज़ी हूँ, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये मेरे द्वारा दिया जा रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या हुई, स्पीकर। सो आई एम बिज़ी यानी मैं बिज़ी हूँ, तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रही हूँ कि अभी फ़िलहाल इन प्रेजेंस मैं क्या हूँ कि बिज़ी हूँ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि आई वॉज बिज़ी यानी मैं बिज़ी थी, इससे क्या पता चल रहा है कि मैं पहले बिज़ी थी बट अभी बिज़ी नहीं हूँ। अगर मैं बोलूँ कि आई विल बी बिज़ी, ठीक है, यानी मैं बिज़ी आने वाले टाइम में होंगी, इसका मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब कि मैं बिज़ी होंगी लेकिन अभी मैं बिज़ी नहीं हूँ। सो टेंस को अगर हम समरी अप करें तो हम ये कह सकते हैं कि टेंस इज अ कैटेगरी ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस टाइम रेफरेंस विद रेफरेंस टू द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। यानी ये एक टाइम रेफरेंस बताता है हमें कि स्पीकर जो है वो कब अपना स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है। अब अगर टेंस के टाइप की बात करें तो टेंस जो है ब्रॉडली थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। अब हम उन तीन टाइप्स को पढ़ लेते हैं। सो पहला जो है वो हमारा है प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्तमान काल। फिर आता है पास्ट टेंस, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं भूतकाल, ठीक है। फिर आता है फ्यूचर टेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भविष्यकाल, ठीक है। क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है सो इसमें बस मैं टेंस का इंट्रोडक्शन दूंगी और इसके टाइप से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। फिर आने वाले मेरे वीडियो में मैं इसे वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी कि प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है और फिर फ्यूचर टेंस क्या है। बट इससे पहले पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस या फिर प्रेजेंट टेंस को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसको, यानी जो प्रेजेंट टेंस है, जो पास्ट टेंस है और जो फ्यूचर टेंस है, इसे कैसे और डिवाइड किया गया है, ठीक है, फर्दर कैसे इसका डिविज़न हुआ है। सो जो हमारा प्रेजेंट टेंस है उसे चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब बात करें अगर पास्ट टेंस की, तो पास्ट टेंस को भी फोर पार्ट्स में ही डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला है सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फ्यूचर टेंस की, सो फ्यूचर टेंस को भी मेनली फोर पार्ट्स में ही डिवाइड किया गया है। पहला है सिंपल फ्यूचर टेंस, दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंसेस का टॉपिक। बट टेंसेस के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप टेंसेस के टॉपिक को पढ़ने आ रहे हो तो सबसे पहले आपको वर्ब फॉर्म को याद करना पड़ेगा। वर्ब फॉर्म इंग्लिश में पांच होती है, V1, V2, V3, V4 एंड V5। अगर आपको ये पाँचों वर्ब फॉर्म अच्छे से याद नहीं है तो फिर आप जो हमारे जो टेंसेस है, जो सेंटेंस होते हैं, वो आप फॉर्म नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेंसेस पढ़ने से पहले आपको अच्छे से कमांड होना चाहिए
वर्ब के पांचों फॉर्म पर, ठीक है। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है प्रेजेंट टेंस एंड इट्स टाइप, ठीक है। सो प्रेजेंट टेंस एंड इट्स टाइप को पढ़ने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज माई ब्रदर्स प्ले क्रिकेट, सेकेंड एग्जाम्पल इज माई ब्रदर्स आर प्लेइंग क्रिकेट, थर्ड एग्जाम्पल इज माई ब्रदर्स हैव प्लेड क्रिकेट एंड फोर्थ एग्जाम्पल इज माई ब्रदर्स हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो चार सेंटेंसेस मैंने लिखी हैं ये चारों सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस के हैं, बट इनका फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो चारों सेंटेंसेस है ये प्रेजेंट टेंस के चार टाइप्स पे बेस्ड है, ठीक है। सो अब हम लोग जो हैं एक एक करके सारे टाइप्स को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि हर एक टाइप का फॉर्मेशन, सेंटेंस का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस से, ठीक है। सो आते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पे। हमें देखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस होता है वो कैसे फॉर्म होता है। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा है और वो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वी वन, ठीक है। एक बार फिर से, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वी वन। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना पड़ेगा अपने सेंटेंस में। उसके उस सब्जेक्ट के बाद जो है तीन वर्ड्स में से, यानी इस एम या आर, इन तीनों वर्ड में से किसी एक वर्ड को चूज करके सब्जेक्ट के साथ लिखना होगा और फिर उसके बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना होगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं सेंटेंस के फॉर्मेशन में, इसके लिए मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए हैं। तो चलिए इस एग्जाम्पल्स को देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है आई एम फ्री, ठीक है, आई एम फ्री। सो यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए मैंने यूज़ किया है आई को और हमें पता है कि आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। आई के साथ हमेशा क्या जुड़ता है, एम जुड़ता है। या फिर अदर वर्ड्स में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एम एक ऐसा वर्ड है जो कि सिर्फ आई के साथ ही जुड़ता है, ठीक है, आई के साथ ही जुड़ता है। वो कौन सा वर्ड है, एम, ठीक है। तो क्योंकि मैंने हैज अ सब्जेक्ट यहाँ पे आई लिया है इसलिए मुझे आई के साथ क्या लिखना होगा, एस एम आर में से एम। सो मैंने यहाँ पे लिख लिया आई प्लस एम और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है फ्री। तो ये हमारा सेंटेंस फॉर्म हो जाता है आई एम फ्री। आप देख रहे हो कि फॉर्मूला के बेस्ड पे कैसे ये सेंटेंस का फॉर्मेशन हमने किया। आइए फिर सेकेंड एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हमें कैसे फॉर्मूला का यूज़ करके सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है। सो हमारा जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो है माई फादर इज अ टीचर, ठीक है, माई फादर इज अ टीचर। सो यहाँ पे हैज अ सब्जेक्ट मैंने लिया है माई फादर, क्योंकि फादर एक सिंगुलर नाउन है सो इसलिए हमने इसके साथ क्या लिया है, इज आर एम में से मैंने इसमें क्या चूज़ किया है, इज। तो यहाँ पे हो गया माई फादर इज अ। उसके बाद बचता है कि वर्ब का एक फॉर्म हमें लेना है। वर्ब का कौन सा फॉर्म लेना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में मैंने टीचर ले लिया है, ठीक है। सो हमारा जो सेंटेंस फॉर्म हुआ वो है माई फादर इज अ टीचर, ठीक है। सो आप देख रहे हो कि कैसे फॉर्मूला के बेस्ड पे हम लोगों ने सेंटेंस बनाया। तो आप भी इसी तरह जो है फॉर्मूला के ऊपर वर्ड्स को पुट करके सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस का फॉर्मेशन ऐसे ही होता है बेसिकली। फिर धीरे धीरे जब हम हैबिट हो जाती है हमारी, फिर हमें ऐसे फॉर्मूले पे रखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आइए फिर हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करते हैं। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस है उसको फॉर्म करने का जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वी फोर। यानी एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वी फोर। यानी हमें कोई भी सेंटेंस अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बनाना है तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना होगा, उसके बाद इज एम या आर इन तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स में से किसी एक को चूज करना होगा और फिर उसके साथ हमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेना होगा, ठीक है। आइए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम इस फॉर्मूला पे बेस्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई एम ईटिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हैज अ सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा है आई और मैंने जैसे कि पहले भी बोला है कि आई के साथ हमेशा
एम ही जुड़ता है, सो इसलिए मैंने इस आर एम में से एम यहाँ पे चूज़ किया है, और वी फोर के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है ईटिंग. सो जब हम इस तीनों वर्ड को कंबाइन करते हैं तो एक सेंटेंस फॉर्म होता है जो कि है आई एम ईटिंग. सो आई एम ईटिंग जो है आप देख रहे हो कि कैसे फॉर्मूला पे बेस्ड हमने एक सेंटेंस बना दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, जो कि हमारे फॉर्मूला पे बेस्ड है. ठीक है, लाइकवाइज आप भी सेंटेंस बना सकते हो. चलिए फिर पहले अब हम लोग दूसरे पे आते हैं, तीसरे वाले पे आते हैं, तीसरे फॉर्म पे, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है, तो अब हम इसके फॉर्मूले को पढ़ लेते हैं. सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वी थ्री. फिर से, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वी थ्री. यानी अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसमें सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, फिर उसमें हैव या हैज, यहाँ पे हैव और हैज का यूज करना है ध्यान से. ठीक है, सो हैव या हैज दोनों में से किसी एक को चूज करना है, एंड देन उसके साथ हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐड करना है. चलिए फिर इसे देखते हैं कि इस फॉर्मूले पे कैसे हम लोग सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं. सो फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने लिया है वो है आई हैव इटन. ठीक है, सो यहाँ पे जो हैज अ सब्जेक्ट मैंने लिया है आई, और जैसे कि मैंने बोला था कि आई के साथ हमेशा एम लगता है, बट यहाँ पे हमें एम का तो यूज़ ही नहीं करना है. सो यहाँ पे हमें यूज़ किसका करना है, हैव या हैज. तो आई के साथ हैव का यूज़ होता है, डैट्स वाई यहाँ पे आई के साथ हैव होगा. ठीक है, आई हैव, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें ऐड करना है. सो वर्ब के थर्ड फॉर्म के लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है ईटन. तो ये हमारा सेंटेंस एक फॉर्म हो जाता है आई हैव इटन, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक एग्जाम्पल है. ठीक है, अब दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं. राम हैज स्लेप्ट. राम हैज स्लेप्ट. ठीक है, सो यहाँ पे हैज अ सब्जेक्ट मैंने लिया है राम, और क्योंकि राम एक सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर नाउन है, दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या लेंगे, हैव या हैज, हमेशा हैज लेंगे. सो राम हैज, और वर्ब थ्री के लिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, स्लेप्ट. तो ये क्या हो गया, राम हैज स्लेप्ट. ये एक सेंटेंस का फॉर्मेशन हो गया, और जब भी आप देखोगे तो ये क्या है कि राम सो चुका है. ठीक है, तो हैज इन द प्रेजेंट जो राम है वो सो चुका है. ठीक है, सो इसलिए ये जो एग्जांपल है ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूले पे बेस्ड है, और फॉर्मूले पे बेस्ड इसने कौन सा सेंटेंस बनाया गया है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस का फॉर्मेशन किया है हमने. नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो अब देखते हैं कि कैसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्मूला पढ़ लेते हैं. सो हमारा जो फॉर्मूला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्टेटमेंट्स को बनाने का, वो है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वी फोर. ठीक है, फिर से, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वी फोर. ठीक है, तो सबसे पहले हमें अगर कोई सेंटेंस बनाना है परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो सबसे पहले हमें एक सब्जेक्ट को चूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद हमें उस सब्जेक्ट के साथ हैव या फिर हैज़ को ऐड करना पड़ेगा, फिर हमें बीन को ऐड करना पड़ेगा, एंड देन फिर हमें वर्ब के फोर्थ फॉर्म को ऐड करना पड़ेगा. सो चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम इस फॉर्मूले पे सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कर सकते हैं. सो मैंने जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है वो है आई हैव बीन ईटिंग. सो फॉर अ सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिया है आई, और आई के साथ हैव लगता है, सो मैंने हैव और हैज में से हैव चूज कर लिया. फिर मुझे ऐड करना है बीन, सो मैंने बीन ऐड कर लिया, और फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, सो वर्ब का फोर्थ फॉर्म मैंने यहाँ पे ईटिंग लिया है. सो यहाँ पे हमारा सेंटेंस जो है वो फॉर्म हो गया है, और हमारा सेंटेंस क्या बन जाता है, आई हैव बीन ईटिंग. ठीक है, अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे. सीता हैज़ बीन वेटिंग. सो इस एग्जाम्पल के लिए मैंने सब्जेक्ट जो है सीता को लिया है, और सीता क्योंकि सिंगुलर है सो इसलिए यहाँ पे हमें हैज़ लगाना है, हैव और हैज़ में से, और फिर बीन तो ऐड हमें करना ही है, एंड देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म मैंने यहाँ पे वेटिंग लिया है. सो इस तरह हमारे फॉर्मूला पे बेस्ड सेंटेंस रेडी है, और वो सेंटेंस क्या है, सीता हैज़ बीन वेटिंग. राइट, सो आई होप कि आपको ये टेंसेस समझ में आए हो. तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट टेंस की ओर बढ़ते हैं.
सो नेक्स्ट टेंस जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा पास्ट टेंस। सो पास्ट टेंस के भी 4 फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। सो अब पास्ट टेंस के इन चारों फॉर्म्स को पढ़ने से पहले कुछ एग्जांपल्स हैं, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है आई एट फूड। सेकेंड एग्जाम्पल इज सीता वेंट स्कूल। थर्ड एग्जाम्पल इज मोहन वेंट टू पटना। फोर्थ एग्जाम्पल इज सिमरन रिजाइंड इन अयोध्या। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो भी हमारा 4 सेंटेंसेस थे वो चारों पास्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं, बट चारों का जो फॉर्मेशन है वो डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ये जो चारों सेंटेंसेस हैं, ये जो पास्ट टेंस के 4 फॉर्म्स हैं उस पे बेस्ड हैं। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारा पास्ट टेंस है उसके फॉर्म्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल पास्ट टेंस से। ठीक है, सो सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को बनाने का फॉर्मेशन के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी अगर हमें सिंपल पास्ट टेंस का कोई सेंटेंस बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, देन हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म चूज करना पड़ेगा, एंड देन एक ऑब्जेक्ट को चूज करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि कैसे इस फॉर्मूले का यूज़ हम लोग सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए करते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज राम हेल्प्ड सुखदेव। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हैज अ सब्जेक्ट मैंने क्या लिया है राम, और वी टू यानी वर्ब के सेकेंड फॉर्म के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है हेल्प्ड, और हैज अ ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिया है सुग्रीव। ठीक है, सो यहाँ पे जो है जब हम यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं तो हमारा एक सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है जो कि है राम हेल्प्ड सुग्रीव। ओके, आइए फिर सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सो सेकेंड एग्जाम्पल जो मैंने लिया है वो है राम एट ब्रेड। राम एट ब्रेड, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हैज़ अ सब्जेक्ट मैंने राम का यूज़ किया है, उसके बाद वर्ब के सेकेंड फॉर्म के लिए मैंने यहाँ पे एट यूज़ किया है। ईट का वर्ब ईट होता है V1 और ईट होता है V2। ठीक है, सो राम एट और हैज़ अ ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है ब्रेड। सो जब मैंने इन तीनों वर्ड को जोड़ दिया तो एक सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, और वो सेंटेंस किस टेंस का है? सिंपल पास्ट टेंस का है, राइट। सो चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं अपनी सेकेंड टाइप पे। सो हमारा जो सेकेंड टाइप है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमें कोई सेंटेंस बनाना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्टेटमेंट को बनाने का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस V4। ठीक है, फिर से सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ड प्लस V4। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लेना होगा? सब्जेक्ट, देन आफ्टरवर्ड्स हमें वॉज या वर्ड में से इन दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा, उसे ऐड करना होगा, एंड देन हमें ऐड करना होगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं कि एग्जाम्पल पे कैसे हम इस फॉर्मूले का यूज करके एक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज द बॉयज वर रनिंग। द बॉयज वर रनिंग, सो यहाँ पे हैज अ सब्जेक्ट मैंने लिया है द बॉयज। अब बॉयज जो हैं वो प्लुरल हैं, सो इसीलिए मैंने यहाँ पे हमें क्या लेना होगा वॉज या वर, ऑफकोर्सली वर लेना है। सो द बॉयज वर, और V4 के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है रनिंग। ठीक है, सो मैंने जब इन वर्ड्स को ऐड किया तो एक सेंटेंस का फॉर्मेशन हुआ, वो है द बॉयज वर रनिंग, जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस है। ठीक है, फिर सेकेंड हम अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है वो है सीता वॉज प्लेइंग। ओके, सीता वॉज प्लेइंग, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट क्या है सीता, और सीता जो है वो सिंगुलर नाउन है, दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे वॉज या वर्ड, ऑफकोर्सली वॉज यूज़ करेंगे। सो सीता वॉज, एंड हमें V4 यूज़ करना है, तो मैंने यहाँ पे V4 के लिए क्या यूज़ किया है प्लेइंग। सो हमारा ये सेंटेंस बन जाता है सीता वॉज प्लेइंग। सो देख रहे हो आप कितना सिंपल है फॉर्मूले पे बेस्ड सेंटेंसेस का फॉर्मेशन। ठीक है, सो आप इसी तरह फॉर्मूले पे बेस्ड सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कीजिए।
अब बहुत ही इजी हो जाता है जब हम फॉर्मूले पे रख के किसी भी सेंटेंस का जब हम लोग फॉर्मेशन करते हैं, तो ये काफ़ी इजी हो जाता है हमारे लिए। बिल्कुल कोई गलती नहीं होती, कहीं से कोई गलती नहीं होती है। ठीक है, आइए फिर हम लोग पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। सो अगर पास्ट परफेक्ट टेंस के किसी स्टेटमेंट किसी सेंटेंस को अगर फॉर्म करना है, सो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। यानी यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैड यूज़ करना ही करना है और V3 का भी यूज़ हमेशा करना ही करना है। ठीक है, चलिए फिर एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। आई हैड इटन, सो यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए मैंने ले लिया है आई, और हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें हैड यूज़ करना ही करना है। सो यहाँ पे हो गया हमारा आई हैड, और इटन जो है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सो यहाँ पे मैंने ले लिया है इटन। सो हमारा एक सेंटेंस फॉर्म हो जाता है आई हैव इटन। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। सो दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने लिया है वो है द बॉयज हैड इटन, द बॉयज हैड इटन। सो यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए मैंने क्या लिया है? द बॉयज, और द बॉयज के साथ क्या ऐड होगा? हैड, और फिर वर्ब थर्ड यानी इटन। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा फॉर्मूले पे बेस सेंटेंस रेडी है, और वो है द बॉयज हैड इटन। राइट, आइए फिर फोर्थ फॉर्म पे चलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अगर कोई सेंटेंस हमें फॉर्म करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4। सो यहाँ पे भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें हमेशा सब्जेक्ट यूज़ करना है सेंटेंस में, और फिर सब्जेक्ट के बाद हमें ऐड करना है हैड बीन, एंड हैड बीन के बाद हमें ऐड करना है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, आइए फिर एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। सो फर्स्ट जो है वो है आई हैड बीन रनिंग। सो यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए मैंने ले लिया है आई, हमें पता है कि सब्जेक्ट के साथ हैड बीन ऐड होना ही होना है, सो आई हैड बीन, और V4 के लिए मैंने यहाँ पे लिया है रनिंग। सो हमारा एक सेंटेंस फॉर्म हो जाता है आई हैड बीन रनिंग। राइट, चलिए फिर सेकेंड एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे हमें फॉर्मूला का यूज करना है सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए। सो सेकेंड जो मैंने स्टेटमेंट लिया है वो है दे हैड बीन स्लीपिंग, दे हैड बीन स्लीपिंग। सो यहाँ पे जो मैंने सब्जेक्ट के लिए लिया है वो है दे, और दे के साथ मैंने ऐड किया है हैड बीन, एंड देन V4 जो है हमारा स्लीपिंग। सो यहाँ पे हमारा सेंटेंस फॉर्म हुआ वो है दे हैड बीन स्लीपिंग। राइट, तो आप देख रहे हो कि कैसे फॉर्मूला पे बेस्ड हमने इतने सारे सेंटेंसेस को फॉर्म किया है। अब हम लोग जो हमारा लास्ट टॉपिक है, यानी जो हमारा फ्यूचर टेंस है, उसे पढ़ते हैं। सो एज वी ऑल नो कि सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा, उसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। सो द फर्स्ट वन इज राम विल रीड, सेकेंड वन इज सीता विल सिंग, थर्ड वन इज गीता विल डांस, एंड द फोर्थ वन इज यू विल वर्क। ठीक है, सो यहाँ पे हमने चार सेंटेंसेस लिए हैं, बट इन चारों में अगर आप देखोगे तो इन चारों में कोई डिफरेंस नहीं है, चारों एक जैसे ही हैं। बट इसका मतलब यही नहीं है कि फ्यूचर टेंस के कोई फॉर्म ही नहीं होते हैं। ऑफकोर्सली फ्यूचर टेंस के चार फॉर्म होते हैं, और इन चारों फॉर्म्स के अपने अपने फॉर्मूलाज होते हैं इसके स्टेटमेंट्स को, इनके सेंटेंसेस को फॉर्म करने के। राइट, तो चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं कि कैसे इनके तो चारों फॉर्म के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, उसे कैसे हम लोग फॉर्म करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस से। सो सिंपल फ्यूचर टेंस की सेंटेंसेस को बनाने का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस V1। यानी अगर हमें कोई सेंटेंस बनाना है जो कि सिंपल फ्यूचर टेंस का हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक सब्जेक्ट चूज करना होगा, देन उसके बाद हमें शैल या फिर विल, दोनों में से किसी एक का यूज़ करना होगा, एंड देन हमें V1 यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होगा। ठीक है, आइए फिर देखते हैं कि इस फॉर्मूले पे बेस सेंटेंसेस का फॉर्मेशन हमें कैसे करना है। सो मैंने जो फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है वो है आई शैल वर्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हैज़ अ सब्जेक्ट मैंने क्या लिया है आई, और आई के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है? शैल।
ठीक है, याद रखेंगे कि आई के साथ हमेशा शैल यूज़ होता है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे शैल और विल में से क्या चूज़ कर लिया, शैल, आई, शैल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कोई भी आप ले सकते हो, मैंने यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्क लिया है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा सेंटेंस रेडी हो जाता है, आई शैल वर्क, राइट। अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे। सो मैंने जो सेकेंड एग्जाम्पल लिया है वो है यू विल डू नथिंग, यू विल डू नथिंग। सो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो मैंने लिया है यू, उसके बाद यू के साथ विल ऐड होता है, तो मैंने यहाँ पे विल ऐड किया है। एंड डू नथिंग, डू नथिंग जो है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, तो ऐसे हमारा जो है इस फॉर्मूले पे बेस्ड हमारा सेकेंड सेंटेंस भी फॉर्म होके रेडी है, और वो सेंटेंस है यू विल डू नथिंग। आई होप कि मैं जो आपको बता रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा हो, बट अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है या कोई डाउट है किसी सेंटेंस के फॉर्मेशन को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में मैं उस क्वेश्चंस को डील करूँगी। ठीक है, सो चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप को पढ़ लेते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। सो इसे बनाने का जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वी फोर। फिर से, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वी फोर। यानी अगर हमें कोई सेंटेंस बनाना है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोई एक सब्जेक्ट लेना होगा, देन हमें उसमें ऐड करना होगा शैल या विल, दोनों में से किसी एक को, एंड देन हमें ऐड करना होगा बी, बी ई बी, और फिर हमें ऐड करना होगा वी फोर। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे जो लिया है वो है आई शैल बी रीडिंग। ठीक है, सो हैज़ अ सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिया है आई, और आई के साथ हमेशा शैल यूज़ होता है, तो शैल, और बी हमें ऐड करना है तो प्लस बी, एंड वी का फोर्थ वर्ब का फोर्थ फॉर्म, सो हैज़ अ वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो है मैंने रीडिंग लिया है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बन के रेडी है जो कि है आई शैल बी रीडिंग, राइट। अब आते हैं हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल पे। सो सेकेंड जो है एग्जाम्पल वो है आई शैल बी रीडिंग, I shall be reading. So has a subject आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्या लिया है I, और I के साथ हमेशा shall use होता है, तो I shall plus B plus V का fourth form. तो has V का fourth form मैंने लिया है reading. So यहाँ पे हमारा sentence जो है वो ready है, और वो sentence है I shall be reading. So आप देख रहे हो कि कैसे formula पे based हमने फिर से एक नया sentence बनाया है, और वो है I shall be reading. ओके, देन चलिए अपने नेक्स्ट टाइप को पढ़ते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को फॉर्म करने का जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वी थ्री। फिर से, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वी थ्री। ठीक है, यानी अगर हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कोई सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक सब्जेक्ट को चूज़ करना होगा, देन शैल या फिर विल में से दोनों में से किसी एक को चूज़ करना होगा, फिर हमें हैव ऐड करना होगा, और फिर हमें ऐड करना होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट। आइए इसे देखते हैं कि कैसे हम इस फॉर्मूले पे बेस्ड सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है I shall have eaten. I shall have eaten. तो आप देख सकते हो कि has a subject मैंने यहाँ पे लिया है I, और I के साथ हमेशा shall use होता है, तो shall, फिर मैंने add किया है have, और फिर मैंने V3 के लिए add किया है eaten. तो मेरा यहाँ पे एक सेंटेंस फॉर्म होके रेडी होता है, वो है आई शैल हैव इटन, राइट। अब आते हैं फिर हम लोग सेकेंड ऑप्शन पे, आई मीन सेकेंड एग्जाम्पल पे। तो सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो है दे विल हैव इटन, दे विल हैव इटन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हैज़ अ सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिया है दे, और फिर शैल या विल में से मैंने चूज़ किया है विल, फिर मैंने उसमें ऐड किया है हैव, एंड देन फिर मैंने उसमें ऐड किया है वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि मैंने लिया है इटन। ठीक है, तो हमारा एक सेंटेंस फॉर्म हो जाता है फॉर्मूले पे बेस्ड जो कि है दे विल हैव इटन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने फाइनल और लास्ट जो हमारा फॉर्म है उसको उसको पढ़ने के लिए। ठीक है, सो हमारा जो लास्ट है फॉर्म वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के को फॉर्मूला क्या है उसके बनाने का, वो है सब्जेक्ट प्लस
प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस वी फोर. फिर से सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस वी फोर. ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम लोग सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कर सकते हैं. सो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल की तरह फर्स्ट जो मैंने एग्जांपल लिया है वो है आई शैल हैव बीन ईटिंग. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हैज अ सब्जेक्ट मैंने लिया है आई, और फिर शैल और विल में से मैंने चूज़ किया है शैल को, देन हैव बीन और फिर भी फोर के लिए मैंने यहाँ पे चूज़ किया है ईटिंग. सो इस तरह हमारे फॉर्मूले पे बेस्ड जो है एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, और वो है आई शैल हैव बीन ईटिंग. फिर हम लोग आते हैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल पे. तो मैंने जो सेकेंड एग्जाम्पल लिया है वो है सीता विल हैव बीन वॉकिंग. सो आप देख सकते हो कि हैज अ सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिया है सीता, फिर मैंने शैल और विल में से ऐड किया है विल, देन मैंने ऐड किया है हैव बीन, और वी फोर के लिए मैंने ऐड किया है वॉकिंग. तो यहाँ पे एक और सेंटेंस जो है हमारे फॉर्मूला पे बेस्ड मैंने फॉर्म किया है, और वो है सीता विल हैव बीन वेटिंग. दिस हमारा टेंसेस जो है यहाँ पे ख़त्म होता है. और हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे हमें टेंस का फॉर्मेशन करना है, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस का. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं बहुत जल्द आने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय.